गाइज वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो गाइज आज के इस व्लॉग में हम फर्स्ट टाइम एवर BGMI के किसी एक शूट में जाने वाले हैं। बहुत मजा आने वाला है, हैदराबाद जाने वाले हैं। साथ में हमारे है पायल एंड श्रीमान लेजेंड भाई से मैं फर्स्ट टाइम मिलने जा रहा हूँ। मैं बहुत टाइम से चाहता था लाइक उनसे मिलू एक बार, क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद है, उनका स्ट्रीमिंग बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत देखता था मैं पहले। लेकिन मैंने यहाँ पर एक बार स्ट्रीम पे भी ये चीज़ बोली थी, तो बहुत मजा आएगा। सो लेट्स गो, अभी मैं कर रहा हूँ फटाफट से पैकिंग। तो उन्होंने लाइक ऐसे कुछ बोला नहीं कि कौन सी आउटफिट क्या है, क्या लेना है, तो मैं अपने हिसाब से कुछ भी पैकिंग कर लेता हूँ। दो दिन के लिए आउट हूँ, तो दो दिन हमारी स्ट्रीमिंग नहीं होगी, लेकिन आपको बहुत मजा आएगा, साथ में हम मस्ती करेंगे बहुत सारी। पैकिंग डन, बिल्कुल सब पैक कर लिया हम लोगों ने। अभी हम निकलने वाले हैं सीधा मेरी दी के वहाँ पे। मेरी दी रहती मुंबई में, मैं वहाँ पे स्टे करूँगा आज। एंड थोड़ी सी शॉपिंग और करनी है मेरे को, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा मतलब बड़ा इवेंट है, तो उसके हिसाब से थोड़ी सी शॉपिंग करनी पड़ेगी मेरे को। एंड उसके बाद हम कल की मेरी फ्लाइट रहेगी हैदराबाद में, एंड कल होगा ड्राई रन। कल हम वहाँ से मोस्टली, अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं स्ट्रीमिंग वगैरह वहीं से कर लूँगा। परसों हमारा शूट रहेगा, तो बहुत मजा आएगा, लेट्स गो। एंड आज ये जॉर्डन्स जो है हम इसको पहनेंगे वहाँ पर इवेंट में। मैंने बोला था एक स्पेशल दिन किसी दिन आएगा, उस दिन हम इसको पहनेंगे, तो आज वो स्पेशल है। मतलब अब जो होगा इसमें वो मेरे लिए स्पेशल है बहुत, तो मैं इसको उस दिन पहनूंगा। लेट्स गो। कैब आ चुकी है, बहुत देर बाद आई है, बहुत बारिश के चक्कर में कैब ही नहीं मिल रही थी। कैब आ चुकी है, अब फटाफट से हम निकल रहे हैं, लेट्स गो। थोड़ा सा पीटी हो गया, मतलब मैं थोड़ा लेट निकला, उसको जिससे कैब नहीं ले सकता था मैं, क्योंकि कैब में बहुत टाइम लग रहा था पी के वहाँ से। और अभी एक घंटा ही बचा है, मतलब फ्लाइट का टाइमिंग है 11:10 और अभी बच रहे 9:50, घंटा तक 20 मिनट बचे, देखते आसानी से पहुँच जाए तो बढ़िया ही है। A few moments later, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ, मतलब लिटरली कुछ समझ नहीं आ रहा है। 10 बज चुके हैं और अभी भी मैं 20 मिनट दूर हूँ और 11 बजे की फ्लाइट है। 40 मिनट में सब कुछ चेक इन वगैरह करना है। आज मेरे को लगता है मिल्खा बनने वाला हूँ मैं। रुको जरा, सबर करो, किस्मत खराब है, मैंने गलत एयरपोर्ट का डाल दिया था। अब यहाँ से कैब करके वापस जा रहा हूँ। रन गाइस, 30 मिनट पहले पहुँचे, एग्जैक्ट 30 मिनट पहले। वो तो किस्मत से मैंने बड़ा वाला लगेज नहीं लिया था, नहीं तो लगेज चेक इन में बहुत टाइम लग जाता, क्योंकि वहाँ पे बहुत लंबी लाइन थी। चलो जैसा भी है, बढ़िया है। उन्होंने मेरा बैग ले लिया, लेकिन जगह नहीं है फ्लाइट में, तुम्हारा बैग किसी काम का नहीं है, हम फेंक रहे तुम्हारा बैग लगेज में। इतना छोटा सा बैग था, डायरेक्टली आ जाता है, फिर भी ले लिया। BGMI का डिस्कशन कर रहे थे स्ट्रीमर बैटल का, तो श्रीमान भाई बोल रहे हैं कि हम लोग बहुत थर्ड पार्टी हुए पायल की टीम से। अरे इसको जितवाने में हमारा ही हाथ है, प्राइस है उसमें से देखो ऐसे परसेंटेज लेता हूं। गाइस साथ में एक ही फ्लाइट में आए हम लोग, लेकिन यहाँ पे मिल रहे, सोचो कितनी गर्दी थी वहाँ पे उस टाइम। गाइस श्रीमान भाई ने अभी अभी GoPro लिया है, अभी लिया है ब्लॉगिंग के लिए, हाथ में लिया है। आप ही बोल रहे थे अभी भी नया नया चालू किया है। अमन ने मुझे बताई वो की है, तो अभी उसका ये बंद हो गया। फ्लिकर ISO सेटिंग थोड़ा सा बताया मैंने कि ISO सेटिंग कम ज्यादा करने से वो फ्लिकर कम हो जाता है। पायल ये छोटू कैमरा से क्या कर रहे हो तुम, बड़ा वाला फोन से करो ना, इसमें तो दो ही कैमरा है। हैंडी फोन, माचिस की डब्बी लग रही है मेरे को। मत बोलो यार ऐसा, कोई कमेंट्स में एंड नहीं करेगा इस चीज में। हाँ मन जी बोल दो चलेगा। गाइस हमको किडनैप कर रहा है चारों को, बता नहीं रहा है कहाँ पार्किंग में ले जाके किडनैप ना कर ले। गलत बात है यार, मैं कभी गाड़ी में पीछे नहीं बैठता, पता है तुमको। मैं बैठ जाता हूँ, कोई बात नहीं, छोटे यूट्यूबर है चलेगा। जिसके साथ सोल का नाम जुड़ा हुआ हो, यूट्यूबर कैसे हो सकता। गुड़ी भाई इज्जत दी ना, दो शूज। तो अभी होटल जा रहे हैं, होटल से ड्राई रन होगा आज 4:30, इसके बाद हम फ्री है, इसके बाद हम जाएंगे पहाड़ मोस्टली। पायल ने भी असिस्टेंट रख लिया है, आपको जरूरत है तो बोलना। पायल ने एडिटर रखा, 30,000 रुपए पर मंथ 8 वीडियो दे रहा है। मैंने बोला मैं 8 से डबल देता हूँ, मुझे दो 30,000 चलेंगे, बहुत इजी है। और आपको असिस्टेंट चाहिए तो मैं फ्री हूँ, ज्यादा वैसे नहीं लूंगा मैं।
चलेगा, मतलब आप करोगे क्या? पर काम तो मैं ही करता हूँ, मेरे साथ घूमना पड़ेगा बस। हाँ कोई ना, घूमेंगे ना अपन साथ में, घूमेंगे साथ में, घूमेंगे। घूमना बहुत पसंद है मेरे को, कंपनी मिलेगी। चलो एक दूसरे के साथ रहेंगे, बहुत ज्यादा बनेगा। जॉब मिल गई मेरे को, मम्मी बोल रही थी जॉब नहीं मिल रही थी, अभी मिल गई, श्रीमान भाई ने दे दी। पेट्रोल पंप तो, पेट्रोल पंप तो सब संभाल लेंगे। यार बैकअप मत बोल रहा, वो बैकअप लेगा ही नहीं भाई, वो खुद ही कुछ करेगा। एग्जैक्टली वो मैं बैकअप कभी सोचता भी नहीं हूँ कि बैकअप है, नहीं तो मैं बैठ जाऊँ, कुछ काम नहीं करूँगा ऐसा। श्रीमान भाई गाइस अभी बता रहे थे कि उन्होंने चैरिटी स्ट्रीम करी थी आसाम के लिए, और उनके फैंस ने अभी तक उनसे एक भी बार ऐसा पूछा नहीं, प्रूफ नहीं मांगा कि आपने डोनेट किया नहीं किया। उन्होंने अभी बताया मैंने डोनेट कर लिया है, लेकिन उन्होंने फैंस मतलब चार दिन पहले ही कर लिया था। स्टोरी डालना भूल ही रहा हूँ, भूल गए। यस, तो उस चक्कर में सिंगल मैसेज भी नहीं है, मतलब ये नॉर्मल है। यस, ये अमन भाई भी मुझे बोल रहे थे, पायल भी बोल रही है कि तुम्हारी जो जनता है वो बहुत प्यारी है, बहुत मुझे अच्छा लगता है उनके बारे में सुना। तारीफ होती है, अब तुम लोग मेरे को देख रहे हो ना, मेरे लिए भी ऐसे हो जाओ। अमन की भी आर्मी ऐसे होनी चाहिए, बिल्कुल भरोसा होना चाहिए हर चीज पे, मतलब जो बोल दिया सीधा पत्थर की लकीर होनी चाहिए। yes, अमन ने बोल दिया तो हो गया, हो गया मतलब ऐसा। अभी तो हो रहा है अमन। वैसे अमन तुम सोल क्या करते हो मुझे जानना। यार सब लोगों को बहुत डाउट रहता है यार, देखो मतलब स्पोर्ट्स प्लेयर हो, मैं सब कुछ हूँ, मैं ना मैनेजर भी हूँ, मैं कंटेंट क्रिएटर भी हूँ। यस, मैं मैनेज भी किया उनको, पासपोर्ट का लाइक थोड़ा काम मैंने भी किया, जब सीड भाई बिजी थे उनके शूट्स पे, बैक टू बैक शूट्स थे रोज 10 दिन तक 5 दिन तक, तो मैंने आधार कार्ड एड्रेस चेंज कराया, कितना कुछ किया है उस मतलब में। आप मल्टी टैलेंटेड मतलब अमन भाई का रोल सोल में मल्टी टैलेंटेड है। यस, सब कुछ है, स्पोर्ट्स प्लेयर है, ये मैनेज करते हैं, ये कंटेंट क्रिएटर है, ये ब्लॉगर है, ब्लॉगर है, मतलब सब है। यस सब है, अभी मैं क्लियर, धीरे धीरे और सीख रहे हम। ये BGMI के इवेंट्स जो भी होते हैं ना, शूट वगैरह, यस, इसके वजह से ऐसे सब नए नए लोग मिलते हैं। अभी देखो अगर ये ना होता तो ये कब मिलने वाली थी, अमन भाई कब मिलने वाले, अमन भाई मिलते लिटरली, मैंने इतना क्लोज नहीं होते शायद। Like, मतलब मैं तुम्हारे सोल हाउस में आता। Yes, तो सब होते ना, सब होते हैं, ऐसा हो जाता है। नहीं ये चीज मैंने स्क्रीन पे भी बोली है, मेरे को श्रीमान भाई से मिलना है आज ब्लॉग में, स्टार्टिंग में दिखाऊंगा आपको। हाँ, सैम वो बोला था, किसी ने मुझे रील भेजी थी, रील अच्छा, भेजी थी, तुमने बोला था, मैंने बोला था। Yes, बिल्कुल ऐसा फील नहीं आ रहा कि कोई अनजान है, उनसे मिल रहे नहीं जानते। मतलब रिसेंटली मैं एक दो यूट्यूबर से मिला था, उनसे उतना कनेक्ट नहीं हो पाया, तो मैंने भी ज्यादा बात नहीं करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी नहीं की, लेकिन वो हुआ ही नहीं। आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है, अमन के मामले मैंने खुद से भी मैसेज किया और उन्होंने रिस्पॉन्स भी ऐसे दिया। अभी तो शुरुआत है, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। मैं एक चीज बोलता हूँ, लाइक हमारे ये चीज, हम लोग ये जो है ना, ये चीज से बहुत यूज टू हो गए हमारे आए दिन आजकल, मतलब 8-bit क्रिएटिव्स में कोई ना कोई नया ऐड होता है, तो हम लोग भी उनसे भी फ्रैंक हो जाते हैं इंस्टेंटली। मुझे लगता है आधी गेमिंग कम्युनिटी तो ले ली आप भी आ जाओ, मैं तो बोल रहा हूँ। अरे मैं तो दिल से हूँ, दिल से तो हूँ, दिल से तो गोल्डी भाई भी कितना प्यार देते है, कितना प्यार देता है। We have reached hotel. अभी हम लोग जा रहे हैं रूम्स में रेस्ट लेने। होटल तो बड़ा प्यारा है गाइस, पूरा होटल दिखा देता हूँ। आ चुके हैं हमारे आलिशान होटल में, एंड स्पेशल इन्होंने मुझे ली अभी फ्रेश केले भिजवाए इन्होंने। मेरे को तो व्यू देखना है, इधर से व्यू कैसा है। ओ भाई व्यू तो है गाइस, व्यू तो है, गोवा के ताज होटल की याद आ गई। बस उधर बीच था, बीच नहीं है, इधर पूरा कंस्ट्रक्शन एरिया है, आईटी सिटी भाई, यहीं पे ऐसा ही होता है। लेट्स गो, लेफ्ट राइट हो गया गाइस, बहुत देर से बैठे हम लोग। हम लोग चेक करने जा रहे हैं क्या वो सो गए क्या, मतलब लिटरली आधे घंटे से वेट कर रहे हैं, 3-4 कॉल कर लिए, 45 मिनट से नीचे बैठा हूँ मैं यहाँ पे। यस, इन्होंने मेरे को, हम लोग को ऐसे बोला था, हाँ किसी को नींद तो आ नहीं रही, सोने की तो जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, और अभी एकदम से ये खुद ही सो रहे होंगे मेरे को लग रहा है। हाँ सर, हम रेडी है, वो पायल जी है ना, उनको हम बुला रहे हैं, जरा कुछ बिजी है, काम कर रही है। रूम सर्विस मैन। क्या चलो, मैं तो आ रही है। अरे एटलीस्ट वो रिप्लाई तो करो, हमको लगा सो गए। So guys, क्या नेक्स्ट लेवल पैच आया है, मतलब मेरा एक एक पॉइंट जब मैंने पढ़ा ना इसका पैच का, जो ई स्पोर्ट्स में चेंजेस होने वाले हैं,
मतलब यू गाइस सारा मेटा चेंज होने वाला है। यूएमपी अब पूरा बंद, टॉमी चालू, बाइजन चालू, स्कारेल चालू, बहुत नेक्स्ट लेवल नए नए मेटा बनने वाले। देखते हैं सबसे पहला मेटा कौन सा प्लेयर बनाएगा ई स्पोर्ट्स में। हम लोग माइक में बैठ कर डिस्कस कर रहे हैं कल खाने में क्या खाना है, यहीं पे खाने वाले हैं स्पेशल। तो कौन सही तरीके से खाता है, यस इसी पे चीज़ें करेंगे। तो यहाँ पर वेट कर रहे हैं कल के लिए, हमको ये कैमरा गिफ्ट कर रहे हैं, ये वाला मेरे लिए, ये वाला पायल के लिए, ये वाला मेजी भाई के लिए और श्रीमान भाई के लिए इधर लगेगा। गाइस ड्राई रन ख़त्म हो चुका है, पूरा समझा दिया मेजी भाई ने कल क्या करना है। 12 बजे आना है हम लोग को यहाँ पे। हाँ समझे नहीं वो बात है यार, इतना लेट कैसे? अरे लेट है वो मुझे यार, आपका मैसेज कम से कम 20 मिनट हो गए आ चुका है, यहाँ पे चेकआउट करके खड़ा हूँ। पायल आई नहीं हुई ये बात तो है, ऑलरेडी 25-30 मिनट एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। मैं 20 मिनट लेट आया हूँ, मैं 20 मिनट तो मैं कुछ लेट आया हूँ, मेरे को गारंटी थी वो नहीं आएगी। देख मैं लेट आके भी वो नहीं आई। चेकआउट कर लो आप। अच्छा होटल से क्या क्या लिया है तुमने? कुछ भी नहीं लिया है, लास्ट टाइम क्या हुआ था मैं लेने वाला था, थक भाई ने कहा ऐसे बदनामी होगी लेना मत, तो फिर इस बार उन्होंने लिया नहीं। मैंने 2-3 शैम्पू लिए, मेरे कुछ और मेरे को दे देना एक शैम्पू एक्स्ट्रा। अरे बहुत क्वालिटी है। बस कल भी हम लोगों ने तुम लोग को डिफेंड किया था, पता है कितनी बार अभिषेक भाई का कॉल आया, अपन ने बोला आ गए नीचे आ गए चेकआउट कर रहे हैं। नहीं नहीं इन्होंने फोन किया था मुझे, इन्होंने ही फोन कर दिया। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप ही हमारा हर बार इंटरव्यू क्यों लेते हो, लाइक मेरा लाइक ऐसा क्यों हो रहा है बार बार? क्या आप डेस्टिनी है हम दोनों की, मेरे को लग रहा है मतलब सही ड्यूअल में एज अ कोच ज्वाइन कर रहा हूँ बहुत जल्द। एनालिस्ट बोल देते, दुकान जमा रहा था आप लोग आके बेरोजगार कर दिए। एनालिस्ट बोल दूं ठीक है गाइस, नया एनालिस्ट आ रहे हैं सोल में। अभी हम लोग का मेकअप डन हुआ है जस्ट, और बस वेट कर रहे हैं कि पायल का मेकअप खत्म हो जाए, मेरा हो के शूट भी हो चुका है। हाँ जो भी है कि मैं तो सब एक ही चीज़ में मानता हूँ। और यहाँ पे मेजी भाई बोल रहे थे मेरी नेचुरल ब्यूटी जरूरत नहीं है, लेकिन अभी भी उनका भी 30 मिनट से चल रहा है, पता नहीं क्या करा रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो आप खुद भी कर सकते हो, कुछ अलग से क्लिप विप लगा रहे हो क्या, हेयर क्लिप? उसके बाद हम लोग का वीडियो शूट होगा, अभी उसके लिए जाएंगे हम लोग। ये कैमरा जो है, ये चारों जो कैमरा लगे हुए इधर, ये चुराने का कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल ले जाए, क्योंकि इसकी क्यों क्या क्वालिटी है, मस्त क्वालिटी है भाई, जो भी क्यों। ये देखो श्रीमान भाई, देखो कितना जोरदार, श्रीमान भाई ऊपर देखना एक बार, ये देख रहे हो नेक्स्ट लेवल क्वालिटी है यार। ये देख के ना मेरे को शर्म आ रही है, इतना अच्छा दिख रहा। इतनी लाइटिंग वाइटिंग कर रखी है ना, पूरा एकदम हम लोग लग ही नहीं रहे कि हम लोग का लाइक कुछ ऐसा फेस पे बीटी है, ऐसा हीरो हीरो का फील आ रहा है। अब समझा मैं टीवी पे ऐसा क्यों दिखता है। हम ले जा रहे हैं एक फेस कैम के लिए, स्ट्रीमिंग के लिए। ठीक है अभिषेक भाई एक पैक कर दो, डन सीन है। हाँ बिल्कुल ले जा ले जा। अभी हमें हम लोग का शूट अभी जस्ट खत्म हुआ है, टाइम में हम लोग बस फोटोग्राफी कर रहे हैं नॉर्मल सी, एंड देन उसके बाद हमारी फ्लाइट है, तो हम लोग निकलने वाले हैं थोड़ी देर में, लाइक आधे घंटे में निकल जाएंगे यहाँ से, एंड मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। फैन है उसने पता नहीं कहाँ से स्टोरी वगैरह देख ली थी, डाली थी, देखी होगी, तो बेचारा एक घंटे से नीचे खड़ा हुआ है, तो उसको हम लोग अभी मिलने जा रहे हैं, इतनी देर से वेट कर रहे हैं। खाना खाते जा रहे हैं मेजी भाई मिलने, देख रहे हो कितना मतलब अपने फैंस के लिए कितना कुछ करते हैं, खाना छोड़ के आ रहे हैं, सुबह से इन्होंने लंच नहीं किया है, इतना छूट कर दिया, ब्रेकफास्ट भी नहीं लंच भी नहीं, लेकिन एक बार मिल के आते भाई से। सुना एक घंटे से वेट कर रहे हो, क्या हाल है? एक घंटे से वेट कर रहे हैं, सब बढ़िया? सही है, क्या हाल है? सब बढ़िया। तो तुम लोग क्या स्टोरी देख के आए क्या यहाँ पे? ओ टेसरेट का वो जो मैंने डाला था बूमरैंग, चाय वाला हाँ चाय वाला, दोस्त का सामने था। अच्छा दोस्त के घर के सामने ही था। हाँ अच्छा अच्छा दोनों क्रिएटर स्पेशल सुना चेहरा अगर खराब ये तो वो जो फोन है जिससे रिकॉर्ड कर रहे हैं वो मेरा। चलो पायल मारना है फोन दाव पे मेरा। चलो चलो आप इसने दाव पे कर दिया है और उसने रिकॉर्ड ऑन करके बोला ये चीज। अरे बिल्कुल बिल्कुल मेरी तो घुस है नहीं। अरे लैंड तो करते लो भाई।
अरे सुनो क्या क्यूट से पीक लगे बेटा से एकदम क्यूट से अरे ये सेंसिटिविटी वगैरह सब अलग है रे ओ भाई मुझे ढूंढो अरे मार दिए मेरे को अरे मार दिए यार आई लाफ भाई सर अरे इसका इसका सेंसिटिविटी जम रहा है यार मुझे इसलिए लास्ट है आई लाफ गंगोर बेइज्जती भाई साहब सो गाइज अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो मेक श्योर टू लाइक आज के लिए इतना ही।